अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है आपका बेटा? ठीक है? ये ठीक है बेटा, लास्ट वाले लेक्चर में अगर फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है, ग्रुप पे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है? तो बेटा आज का हमारा लेक्चर है रिटेल के परचून फरोश। परचून फरोश वो एक शॉपकीपर होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में चीजें क्या करता है, सेल करता है। और किन को सेल करता है? अल्टीमेट कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर को चीजें बेचता है। अब फाइनल कंज्यूमर हम और आप हैं जो चीजें लेकर इस्तेमाल करते हैं। तो परचून फरोश जाके जैसा कि ऐसी लोकेलिटी में होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे उसकी शॉप होती है और इजीली वहाँ पे लोग आ जा सकते हैं और जो है ना उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती। तो लिहाजा हमारा जो रिटेल ट्रेडर है ये परचून फरोश होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ें सेल करता है और स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करता है, जो फाइनल कंज्यूमर्स को चीज़ें बेचता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या है, खसूसियात कह सकते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं परचेज। पहला जो इसमें एक एलिमेंट है खसूसियत में, परचेजिंग है। ये स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ें परचेज करता है कि ये थोड़े पैसे से इजीली कारोबार कर सके। दूसरी खसूसियत ये सेल्स, ये चीज़ें इसलिए खरीदता है कि आगे उनको सेल करने के लिए, स्टॉक करने के लिए नहीं, कोई और चीज़ बनाने के लिए चीज़ें नहीं खरीदता। क्या करता है, चीज़ें परचेज करता है दोबारा उनको सेल करने के लिए। वैरायटी ऑफ गुड्स, ये मुख्तलिफ अकसाम की चीज़ें खरीदता है, एक किस्म की चीज़ें नहीं बेचता। आप देखें किसी दुकान पे, किसी रिटेलर के पास जाएं, किसी परचून फरोश के पास जाएं, उसके बाद देखें कि सैकड़ों किस्म की चीज़ें पड़ी होंगी और वो उनको खरीदता है और कंज्यूमर्स को एक ही दुकान पर उनकी कई मतलूबा चीज़ें मुयसर हो जाती हैं। क्वान्टिटी ऑफ गुड्स परचेज, ये स्मॉल क्वान्टिटी में चीज़ें परचेज करता है। जैसे ये सेल स्मॉल क्वान्टिटी में करता है, खरीदता भी स्मॉल क्वान्टिटी में। क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीज़ें खरीदता है उनको बेचना भी स्मॉल क्वांटिटी में है। मीन कंज्यूमर्स ने रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए जो चीज़ें खरीदनी होती हैं वो इनसे खरीद लेता है। लोकेशन, लोकेशन क्या होती है इसकी? इसकी लोकेशन ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे इजीली कंज्यूमर आ जा सकते हैं। ठीक है? जहाँ पे लोगों की रिहायश होती है, रेजिडेंस होती है, कॉलोनियाँ होती हैं, वहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। कैश से या अमूमन नकद पे चीज़ खरीदता है और बेचता है, उधार पे काम बहुत कम करता है। कैपिटल, सरमाया, कम सरमाए से ये कारोबार स्टार्ट कर लेता है ताकि ये छोटे से छोटा बिजनेस इजीली रन कर सके। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायरेक्ट लिंक। इसका कस्टमर के साथ डायरेक्ट लिंक होता है कि कस्टमर इसकी शॉप पे आता है, वो अपनी लाइक्स डिसलाइक को बताता है और ये उसके मुताबिक चीजें खरीदता है। मीन अगर कोई इन्फॉर्मेशन है कस्टमर्स के बारे में, ये होलसेलर को देता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है ताकि उसके मुताबिक चीज़ें क्या कर सकें, वो प्रोड्यूस कर सकें। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें डिस्प्ले में रखता है ताकि इजीली लोग आकर वो चीज़ें खरीद सकें और अपनी मतलूबा चीज़ों को वहाँ से हासिल कर सकें। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, बाज़ वक़्त ऐसे होता है कंपनी ने कोई नई प्रोडक्ट बनाई है, ये उसकी इंट्रोडक्शन का भी बायस बनता है, ये उसको इंट्रोड्यूस करने का भी बायस बनता है, ये उनकी क्वालिटीज बताता है, उसके मीन पोस्टर शॉप पे लगा देता है, वो प्रोडक्ट अपने मीन जो काउंटर होता है वहां पे रख देता है ताकि इजीली लोग आए, उनको पता चले, उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करता है। लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर होलसेलर के दरमियान ये एक लिंक कायम करता है, उन दरमियान में ये वास्ते का जरिया है, एक मिडिल मैन की हैसियत रखता है कि ये होलसेलर से चीज़ें खरीदता है और कंज्यूमर को चीज़ें बेचता है। तो लिहाजा ये लिंक कायम करता है होलसेलर और कंज्यूमर्स के दरमियान। स्मॉल स्केल बिजनेस, इसका कारोबार हमेशा स्मॉल स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे नहीं होता। फ्रेश फूड आइटम्स, ये कई किस्म की फ्रेश चीज़ें भी बेचता है, फूड आइटम्स हैं उनको खरीदता है और रोज़ाना की बुनियाद पर कस्टमर को वो सेल करता है। ग्रेडिंग ऑफ गुड, बात बात कोई चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में लेकर उसकी दर्जाबंदी कर लेता है, उसकी ग्रेडिंग कर लेता है। रिस्क टेकिंग, ये कई किस्म के रिस्क भी ले लेता है कि अगर ये चीज़ खरीद के आया हुआ है तो अगर ख़राब हो जाती है तो इसका नुकसान होता है, ना होलसेलर का होता है ना ही कंज्यूमर का होता है। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, बाज़ अवकात फ्री होम डिलीवरी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कि उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और ये उनको क्या करता है, चीज़ें प्रोवाइड करता रहता है।
स्टोर इट, बॉस का थोड़ा सा जरूरत से ज़्यादा भी माल लेकर अपने स्टोर्स में गोदामों में ये रख लेता है। ये कई किस्म की इन्फॉर्मेशन कंपनी की होलसेलर की कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है और कंज्यूमर की इन्फॉर्मेशन होलसेलर को और कंपनी को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वर्किंग आवर्स, इसकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे ताकि जिस वक्त भी कस्टमर को कोई चीज़ ज़रूरत हो वो ईजिली आकर यहाँ से परचेज कर सकता है। अब जाहिर हुआ एक रिटेलर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ें परचेज करके अल्टीमेट कंज्यूमर को चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसकी कोशिश ये होती है कि फ्रेश चीज़ सेल करें और नकद पे सेल करें और कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को सामने रख के चीज़ें ये लेके आता है होलसेलर से और उसको आगे सेल करता है। और इसकी ये भी कोशिश होती है कि चीज़ों की दर्जाबंदी करें ताकि हर लेवल पर बंदा जो है कोई चीज़ खरीदना चाहे तो उसको मुयसर हो जाए। और इसकी ये कोशिश होती है कि ऐसी जगह शॉप बनाए जहाँ पे लोग इजीली आ जा सके, जहाँ पे लोगों की ज़रूरियात इन टाइम जिस वक्त उनको ज़रूरत हो वो मुयसर हो सके। और ये डायरेक्ट लिंक होता है कस्टमर के साथ कि कस्टमर खुद इसके पास आता है चीज़ें खरीदने के लिए, लिहाजा उसकी लाइक्स डिसलाइक्स का इसको अच्छी तरह पता होता है। और कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो वैरायटी ऑफ गुड्स अपने पास रखता है, मुख्तलिफ अकसाम की चीज़ें वहाँ पर रखता है ताकि वो उनको उनकी रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, पूरा कर सके। और बाज़ का कंपनी है कोई नई चीज़ बनाई होती है ये उसको भी इंट्रोड्यूस करता है, उसके फवायद बताता है, उसकी खसूसियात बताता है ताकि कंज्यूमर उनकी खसूसियात की बिना पर, उनकी क्वालिटीज़ की बिना पर वो चीज़ें क्या कर सकें, उससे डिमांड करें और परचेज करें। उसके बाद ये होता है कि इसकी कोशिश होती है कि थोड़ा सा माल स्टोर भी कर लें। अगर किसी वक्त में किल्लत हो जाए तो उसको मैन्युफैक्चर से माल नहीं मिलता तो वो स्मॉल क्वांटिटी में आगे उनको क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो बेटा ये तमाम जो थी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थी कि इसकी रिटेलर की परचून फरोश की, कि एक परचून फरोश एक कंज्यूमर के लिए क्या हेल्प प्रोवाइड करता है और ये प्रोड्यूसर के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, होलसेलर के लिए क्या हेल्प प्रोवाइड करता है। तो इसमें बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं हम, एनीवन कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।